आम आदमी पार्टी जिला इकाई ने इंदिरा गांधी महिला एवं शिशु रोग चिकित्सालय गैस राहत का किया औचक निरीक्षण। आम आदमी पार्टी भोपाल द्वारा आज शहर अध्यक्ष हरीश पाठक के नेतृत्व में इंदिरा गांधी बाल एवं महिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर गुप्ता तथा वहां भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से चर्चा कर समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। चर्चा में ये पाया गया कि अस्पताल में अग्निशमन व्यवस्था ठीक नहीं है और इसके लिए बजट का आवंटन भी विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य कार्य बजट दबाव के कारण रुके हुए हैं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता एवं अन्य समस्याओं पर लोगों से जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मिनाज आलम, डॉक्टर रविकांत द्विवेदी, रईसा मलिक, निधि वर्मा, दानिश ओसामा, प्रदीप जैन, प्रदीप खंडेलवाल, पवन सिंह राठौर, दीपक जोशी, जावेद खान, सलीम खान आदि उपस्थित थे। आज आम आदमी पार्टी ने एक नई मुहिम छेड़ी है, एक हमारा नया स्क्वाड बना है जिसमें हम औचक निरीक्षण करेंगे। भले ही वो अस्पताल हो, स्कूल्स हो या सरकारी कोई भी उपक्रम हो जहां जनता को परेशानी हो रही है, वहां हम अचानक जाकर औचक निरीक्षण करेंगे। जो भी कमियां मिलेंगी वो पूरी करवाने की कोशिश करेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत जल्दी हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे जिस पर जनता से कोई भी हमें ये सूचना दे सके कि इस अस्पताल में ये कमी है या उस किसी और सरकारी स्कूल में कोई कमी है, हम उस कमी को पूरा करने के लिए काम करेंगे। आज भी इस अस्पताल आकर जो मुख्य समस्या दिखी है बजट की, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, सरकार से बात करेंगे कि बजट की कमी पूरी करके इस अस्पताल को अच्छी व्यवस्था दी जाए और इसको अच्छा अस्पताल बनाने में पूरा सहयोग दिया जाए। धन्यवाद जी। आज आम आदमी पार्टी जिला इकाई और हमारे साथी, हमारी स्कॉट टीम इंदिरा गांधी चिकित्सालय पहुंची थी, जो कि महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में एक अच्छा चिकित्सालय है, माना जाता था भोपाल का, राजधानी भोपाल का। यहां आने पे हमें कई अनियमितताएँ देखी। यहां के अधीक्षक महोदय से जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बजट का हवाला देकर ये कहा कि फायर फाइटिंग सिस्टम पर जब हमने क्वेरीज खड़ी की, यहाँ के पांचवें माले पे जो फ्लोर शिलान्यास के बाद से ही लगातार बंद है, पांचवें माले पे 20 बेड की व्यवस्था हुआ करती थी, एसी रूम, एयर कंडीशन रूम हुआ करते थे, वो बंद होने की जब हमने क्वायरीज खड़ी की तो उन्होंने बजट का सीधा हवाला देके कहा कि हम असमर्थ हैं और बजट का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। गंदगी को देखते हुए हमने जब गंदगी पे सवाल खड़े किए तो उन्होंने कहा गंदगी के लिए तो मैं खुद निरीक्षण करता हूँ, लेकिन हमने पाया कि उन्होंने सरासर हमें भ्रमित करने का काम किया, उन्होंने झूठ बोला। और तीसरी सबसे बड़ा जो हम बिंदु था, एक छोटे से बेड पे जच्चा बच्चा दोनों भर्ती कर लिए जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पर माँ बिल्कुल असमर्थ रहती है कि अपने दूध पीते बच्चे को वो कैसे बेड पर रखेगी, कैसे संभालेगी। ये तमाम अनियमितताएँ, पानी की व्यवस्था में प्रॉपर नहीं दी कि हाँ, कल रात में क्योंकि मीडिया के साथियों को हमें ये औचित निरीक्षण का इन्फॉर्मेशन देना था तो रात में 11 बजे तकरीबन हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें अवगत कराया था, तो हो सकता है कि इनको जानकारी प्राप्त हो गई। और इसके बाद कई सारी साफ़ सफाई यहाँ पे हमें दिख रही है, पहले की तुलना में साफ़ सफाई हुई है, बाहर जो इनका प्रांगण है वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था हुई है और सिक्योरिटी गार्ड ये सब प्रॉपर मिले हमें। बाकी हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं और ये जिला प्रशासन हो, आपका यहाँ के मुख्यमंत्री जी हो, उनसे निवेदन करते हैं कि इन तमाम अनियमितताओं को और इन तमाम समस्याओं का निराकरण तत्काल प्रभाव से किया जाए। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।